न्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव, भगवान महावीर का क्या संदेश, उनकी वाणी मूल रूप से जिसके लिए समर्पित है, एक तरह से कहा जाए मोक्ष मार्ग के लिए, और वो मुक्ति का मार्ग उस मोक्ष रत्नत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उस मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, ये बात भी आज हमें इस 11वीं गाथा के माध्यम से समझने के लिए मिलेगी। साथ ही आज ही एक दूसरा प्रसंग, आध्यात्मिक श्री सत्पुरुष कांजी स्वामी ने आज के दिन ही मत परिवर्तन करके सनातन दिगंबर जैन धर्म अपनाया था, और उन्हें ये दिगंबर धर्म सत्य प्रतीत होने में जिस ग्रंथ ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह है आचार्य कुंदकुंद देव का समय सार, जिसे देखते ही और अध्ययन करते ही अहो यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है, और इसके अध्ययन से ही उनकी चित्त की धारा बदल गई, परंपरा बदल गई, और आज के ही पवित्र दिन आपने भगवान महावीर का मूल मार्ग दिगंबर पंथ आपने अपनाया था। उसी ग्रंथादिराज समय सार के सार की हम चर्चा कर रहे हैं। टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र की आत्मख्याति के माध्यम से 9वीं-10वीं गाथा की चर्चा अपन ने कल की थी, जिसमें ये बात आ रही थी परमार्थ का प्रतिपादक होने से व्यवहार ने अपने आप को स्थापित किया, परंतु 8वीं गाथा के अंत में आचार्य अमृत चंद्र ने एक सावधानी संकेत किया था, परमार्थ का प्रतिपादक होने से व्यवहार स्थापित करने योग्य है, परंतु ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्या इति वचनात् व्यवहार नयो न अनुसर्तव्यः। 8वीं गाथा जिसमें बात चल रही थी कि जब परमार्थ का ही प्रतिपादन करना है और व्यवहार का निषेध ही करना है, तो फिर अकेला एक परमार्थ ही कहना चाहिए था, व्यवहार क्यों कहा, तो उस व्यवहार की उपयोगिता बताई थी। क्या व्यवहार की उपयोगिता, कि वह परमार्थ का प्रतिपादक है। परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है इसकी चर्चा 9वीं-10वीं गाथा में कर ली, और अंत में ये बात कही थी परमार्थ का प्रतिपादक होने से व्यवहार ने अपने आप को स्थापित अवश्य करता है, परंतु ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्या इति वचनात् व्यवहार नयो न अनुसर्तव्या। जैसे म्लेच्छ को समझाने के लिए ब्राह्मण म्लेच्छ भाषा का आश्रय तो लेता है, परंतु ब्राह्मण को म्लेच्छ हो जाना उचित नहीं है,
उसी तरह समझने समझाने के लिए व्यवहार का आश्रय तो लिया जाए, समझने समझाने के लिए उपयोगी जानकर जिनवाणी में भी व्यवहार की चर्चा बहुत है, परंतु व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। बस उसी की चर्चा इस गाथा में करने जा रहे हैं। देखिए उत्थानिका, जब वहां ये कहा कि व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, तो एक तरह से शिष्य प्रश्न करता है, कुतः व्यवहार नया न अनुसर्तव्या इति चेत। जब व्यवहार की स्थापना की है, व्यवहार की इतनी उपयोगिता है, जब इतनी उपयोगिता है तो फिर व्यवहार नय का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिए। कुतः व्यवहार नया न अनुसर्तव्या इति चेत, व्यवहार नय का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिए। सीधे अपन अब इसका उत्तर कुंद कुंद आचार्य से जानते हैं, मूल गाथा से, 11वीं गाथा, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, एक पर एक 11 कहलाती है, इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। इस गाथा का मर्म यदि नहीं समझा तो हमेशा नयों के चक्कर में ही पड़े रहेंगे, और नयों के चक्कर में पड़े रहेंगे तो संसार का चक्र मिटने वाला नहीं है। संसार चक्र मिटाकर सिद्ध चक्र में शामिल होना हो, नए चक्र को समझना पड़ेगा, और नए चक्र का मर्म समझने के लिए इस गाथा का भाव समझना पड़ेगा। जो बहुत चित्त में अनेक प्रकार की शंकाएं होती है, उन सभी शंकाओं का निरसन भी इस गाथा के माध्यम से हो सकता है। हम तो अधिक विस्तार में नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसकी टीका से, मूल संस्कृत टीका तो अपन देख ही रहे हैं, लेकिन और विस्तार से मूल ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका से और अनुशीलन से इस विषय को जरूर विस्तार से आप समझने का प्रयास करेंगे। 11वीं गाथा का मैं पाठ करता हूं। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देशिदो दुसुद्धणो भूदत्थमसिदो खलु सम्मादिट्ठि हवदि जीवो। इस गाथा की पहली पंक्ति में एक बहुत बड़ा तथ्य हमारे सामने रख रहे हैं, और दूसरी गाथा में उससे भी बड़ा तथ्य रख रहे हैं। दूसरी पंक्ति में, गाथा की दूसरी पंक्ति में उससे भी बड़ा तथ्य दे रहे हैं। पहला तथ्य क्या है, या ये कहा जाए कि दो तथ्य निकाले उसमें से। कल चर्चा करते हुए भी कहा था, अध्यात्म के नए निश्चय नए और व्यवहार नए, उन्हीं की बात करते हुए कह रहे हैं। जब निश्चय नए व्यवहार नए दोनों जिनवाणी के नए हैं, दोनों भाषाओं में जिनवाणी निबद्ध है, श्रुत विकल्पानया श्रुत ज्ञान के अंश है, सम्यक ज्ञान भी श्रुत ज्ञान है, उसके बाद भी व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना, ये कहा ऐसा क्यों, उसके लिए तथ्य बता रहे हैं। व्यवहारो भूदत्थो, यहां थोड़ी सी प्राकृत की बात है, यदि ये संस्कृत होता तो नीचे व्यवहारो अभूदत्थो, अ लिखा नहीं होता लेकिन अ के लिए एक एस जैसा अवग्रह चिन्ह लगा होता है संस्कृत में, और उसका अर्थ होता है अभूतार्थ, लेकिन प्राकृत में वो नहीं होता, लेकिन अर्थ से हमें समझना पड़ेगा। व्यवहारो भूदत्थो का मतलब है व्यवहारो अभूदत्थो, व्यवहार में अभूतार्थ है। अभी गाथा का सामान्य अर्थ ही देखते हैं, विशेष चर्चा अपन टीका के साथ करेंगे ही। भूदत्थो देशी दो शुद्ध नवो, शुद्ध नवो भूदत्थो देशी दो, और जो शुद्ध नए है वह भूदत्थो देशी दो,
उसे भूतार्थ देशित माने उपदेशित किया है, भूतार्थ कहा गया है। व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा है और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है। अभी तो चर्चा निश्चय व्यवहार की चल रही थी, व्यवहार नय अभूतार्थ है तो उसके सामने निश्चय नय भूतार्थ कहना चाहिए था, लेकिन निश्चय शब्द का प्रयोग न करते हुए शुद्ध नय शब्द का प्रयोग किया। ऐसा क्यों किया ये बात भी अपन आगे समझते हैं। अभी गाथा का सामान्य अर्थ, व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है ऐसा उपदेश दिया है। किसका उपदेश है? अंतिम शासन नायक भगवान महावीर का उपदेश है और उन्हीं उपदेश का अनुसरण करते हुए मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो, उन्हीं वचनों का अनुसरण करते हुए कुंद कुंदाचार्य देसिदो ये उपदेश दे रहे हैं। व्यवहार ने अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है। शुद्ध नय को भूतार्थ क्यों कह रहे हो? भूदत्थम असिदो खलु सम्मा दिट्ठि हवदि जीवो, जीवो भूदत्थम असिदो खलु सम्मा दिट्ठि हवदि, जीव सम्यक दृष्टि कैसे होता है? और सम्यक दृष्टि होने का मतलब मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक तान लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्र, वो सम्यक दर्शन, वो सम्यक दर्शन के धारी वो सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। अर्थात मोक्ष महल की पहली सीढ़ी पर कदम कौन रखता है? वह जीव सम्यक दृष्टि अर्थात मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर कदम रखने वाला कौन? भूदत्समस्सिदो खलु, खलु वास्तव में जो भूतार्थ के आश्रित है, भूतार्थ का आश्रय करते हैं वे जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। अब भूतार्थ का मतलब क्या? दो तात्पर्य हम ले सकते हैं। जो हमारा भूतार्थ है, वास्तविक पदार्थ है, आज मैं परम पदार्थ पायो, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, विषय की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ को असो शुद्धात्मा, जिसे छठवीं सातवीं गाथा में एक ज्ञायक भाव कहा, वही वास्तव में भूतार्थ है और उसका आश्रय लेने वाले जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। तो भूतार्थ का उसका आश्रय लेने वाले जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। तो यहां तो आप शुद्ध नय की बात करने वाले हैं, कहते हाँ वह भूतार्थ। अब हम उसका शब्द का अर्थ बदलते हैं। भूतार्थ माने अर्थभूत, प्रयोजन भूत, और उस प्रयोजन भूत को कहने वाला जो नय वही भूतार्थ। हमारा प्रयोजन क्या है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, यह हमारा प्रयोजन, मुक्ति की प्राप्ति करना, मोक्ष मार्ग पर आना, मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है? पर द्रव्य नते भिन्न, आप में रुचि सम्यक तो भला है, एक अपनी शुद्धात्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो शुद्धात्मा का लक्ष्य करना हमारा प्रयोजन है, उस प्रयोजन को बताना, जानना, समझना, यही हमारा प्रयोजन भूत होने से भूतार्थ है, वही भूतार्थ है। और इसका निरूपण कौन करता है? कि शुद्ध नय करता है, इसलिए शुद्ध नय भूतार्थ है। शुद्ध नय भूतार्थ का निरूपण करता है, इसलिए शुद्ध नय भूतार्थ है। और व्यवहार नय ऐसे भूतार्थ का निरूपण नहीं करता, तो कैसा निरूपण करता है? भूतार्थ का निरूपण करता है। टोडरमल जी ने सातवें अधिकार के उभयावासी के प्रकरण में बहुत विस्तार से चर्चा की है, जिन्हें निश्चय व्यवहार की चर्चा सरलता से समझना हो वे जरूर वो प्रकरण पढ़े, उभयावासी का प्रकरण। उसमें वो कहते हैं निश्चय नय के आश्रय से सम्यक तो होता है, या शुद्ध नय ले अपन, निश्चय का तात्पर्य शुद्ध नय ले वे, और व्यवहार नय के आश्रय से सम्यक दर्शन वाले हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती?
व्यवहार नहीं भी तो सम्यक ज्ञान का अंश है, जिनवाणी का है, फिर व्यवहार नहीं के आश्रय से क्यों नहीं होती? क्योंकि व्यवहार ने किसी को किसी में मिलाकर कारण कार्यादिक को ये ऐसा निरूपण करता है, उपचरित निरूपण करता है, संयोग वाला निरूपण करता है, भेद वाला निरूपण करता है, उपचरित निरूपण करता है, ऐसा मूल वस्तु का स्वरूप नहीं है, इसलिए उसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए व्यवहारो अभूतत्वो, व्यवहार ने अभूतार्थ है। जैसा व्यवहार कह रहा है वैसी वस्तु स्थिति नहीं है ऐसा नहीं है, परिस्थिति वैसी परिस्थिति नहीं है ऐसा नहीं है। जीव वर्तमान में कर्मों से बंधा है, ये बात सत्य है। जीव वर्तमान में मोह राग द्वेष से परिणम रहा है, ये बात सत्य है। भेद की दृष्टि से आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र, ये बात सत्य है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही झूठी बात है, परंतु इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने वाली, इस कारण से ये सारा व्यवहार अभूतार्थ है। व्यवहारो अभूतत्वो, हमारा जो सम्यक दर्शन का प्रयोजन है वह प्रयोजन शुद्ध ने या निश्चय ने के आश्रय से होता है। टोडरमल जी ये कहते हैं, निश्चय ने उन्हीं का यथावत निरूपण करता है, सच्चा निरूपण करता है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। और यहाँ सीधे शुद्ध ने की बात कर रहे हैं, शुद्ध ने शुद्धात्मा को बताता है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती, हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए शुद्ध ने भूतार्थ है, और भूतार्थ के आश्रय से, शुद्ध नय के आश्रय से, शुद्ध नय के आश्रय से माने शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध आत्मा के आश्रय से जीवो सम्मा दिट्ठि हवदी, जीव सम्यक दृष्टि होता है। पर इसलिए व्यवहार नय को अभूतार्थ कहते हैं, शुद्ध नय को भूतार्थ कहते हैं। जब वो अभूतार्थ है, हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं करता है, तो उसका अनुसरण कैसे किया जाए? इसलिए संक्षेप में उत्तर आ गया, इसलिए एक तरह से व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए। गाथा बुलवाइए एक बार, गाथा पद्यानुवाद के साथ में, और अभी जो चर्चा की उसका भाव आप ख्याल में लेने का प्रयास करें। शाश्वत बोल रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसी दो दुशोधन भूदत्थमस्य दो खलु सम्मा दिट्ठि हवदि जीवो शोध नये भूतार्थ है अभूतार्थ है व्यवहार नये भूतार्थ की ही शरण गह यह आत्मा सम्यक लहे। यद्यपि गाथा में व्यवहार ने के सामने निश्चय ने शब्द आना चाहिए, परंतु मुझे लगता है बुद्धिपूर्वक शुद्ध ने शब्द का प्रयोग किया है। क्यों किया है वह अभी अपन टीका के माध्यम से आगे चर्चा करेंगे, तो ये बात अपने ख्याल में आएगी। पहले एक बार मैं टीका समग्र पढ़ता हूं, आप भाव ख्याल में लेने का प्रयास करें। व्यवहार नयो ही सर्व एव अभूतर्थत्वात् अभूतमर्थं प्रद्योतयति, शुद्ध नय एक एव भूतार्थत्वात् भूतमर्थं प्रद्योतयति। तथा ही
यथा प्रबल पंक संवलन तिरोहित सहजेक अच्छ भावस्य पयसो अनुभवितारः पुरुषाः पंक पयसोर विवेकम अकुर्वन्तो बहवो अनच्छमेव तदनुभवन्ति केचित्तु स्वकर विकीर्ण कतक निपात मात्र उपजनित पंक पयो विवेक तया स्वपुरुषकार आविर्भावित सहजेक अच्छ भावत्वात् अच्छमेव तदनुभवन्ति तथा प्रबल कर्म संवलन तिरोहित सहजेक ज्ञायक भावस्य आत्मनो अनुभवितारः पुरुषा आत्म कर्मणोर विवेकम कुर्वन्तो व्यवहार विमोहित हृदया प्रद्योतमान भाव वैश्वरूप्यं तम अनुभवन्ति भूतार्थ दर्शनस्तु स्वमति निपातित शुद्ध नय अनुबोध मात्र उपजनित आत्म कर्म विवेकतया स्वपुरुषकार आविर्भावित सहज एक ज्ञायक भावत्वात् प्रद्योतमान एक ज्ञायक भावम तम अनुभवन्ति तदत्र ये भूतार्थमाश्रयन्ति तैव सम्यक् पश्यन्तः सम्यक् दृष्ट्या भवन्ति न पुनरन्ये कतक स्थानीयत्वात् शुद्धनयस्य अतः प्रत्यगात्मदर्शिभिर् व्यवहारणयो नानुसर्तव्यः। पूरी टीका अपन ने देख ली, अब थोड़ी थोड़ी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। पहले तथ्य की बात लेते हैं। व्यवहार नया ही सर्वैव अभूतार्थत्वात् अभूतम अर्थम प्रद्योतयति। सर्वः ही व्यवहार नया, सारे ही व्यवहार ने, सर्व तो सर्व व्यवहार ने कितने व्यवहार ने के भेद प्रभेदों की थोड़ी चर्चा अपन ने की थी, उतने यदि उतने ही लेना है तो उतनी बात तो कर लेते ना। अभी तो सर्वैव क्यों कह रहे हैं, अभी थोड़ी चित्त में रखना शंका। अभी तो यहां कह रहे हैं कि जितने व्यवहार ने हैं वे सर्व अभूतार्थत्वात्, अभूतार्थ होने से अभूतम अर्थम प्रद्योतयति, अभूत अर्थ को प्रकाशित करते हैं, प्रद्योतित करते हैं। अभी थोड़ी चर्चा गाथा के साथ अपन ने की थी, यहां अभूतम अर्थम। सामान्य से तो ऐसा लगेगा कि जो भूत माने होना सद्भूत, और अभूत माने जो नहीं है, या हिंदी में अर्थ करते हुए लिखते हैं कि अविद्यमान या असत्य, जो विद्यमान ही नहीं है या असत्य है, ऐसे अर्थ को व्यवहार ने प्रद्योतित करता है। जो है नहीं या असत्य है उसे जो कहे उसे तो सम्यक ज्ञान कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं, और मिथ्या ज्ञान न तो सम्यक ज्ञान है, तो व्यवहार नहीं फिर सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है? व्यवहार नए है, सम्यक ज्ञान है। इसीलिए दाथा की चर्चा करते समय जो बात हमने की थी, यहां हमारा प्रयोजन सम्यक दर्शन की प्राप्ति का है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिससे होती है उसके लिए ये सब असत्य हैं। इनके लक्ष्य से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती इसलिए असत्य हैं, इसलिए अविद्यमान हैं। जिससे सम्यक की प्राप्ति होती उसकी अपेक्षा से ये असत्य विद्यमान हैं, ये नहीं है ऐसा नहीं है। जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो वे पंडित जयचंद जी छावड़ा का भावार्थ जरूर देख ले, उन्होंने इस पर संतुलित बात की है। सर्वथा असत्यार्थ नहीं समझना है, हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने से उसे हम अभूत कहते हैं, अविद्यमान कहते हैं, असत्य कहते हैं। तो व्यवहार ने अभूतार्थ है इसलिए अविद्यमान असत्य अर्थ को ही प्रकाशित करता है। तो हमारा प्रयोजन सिद्ध करने वाला कौन? शुद्ध नया एक एव भूतार्थत्वात् भूतम अर्थम प्रद्योतयति। शुद्ध नय वही एकमात्र भूतार्थ होने से भूतम अर्थम, जो जिसके लक्ष्य सम्यक की प्राप्ति होती है, ऐसी शुद्ध आत्मा एक ज्ञायक भाव, ऐसे वह भूतम, वो हमारे लिए भूतार्थ है। भूतम अर्थम उसे एकमात्र शुद्ध नय ही प्रकाशित करता है, क्योंकि वही भूतार्थ है।
व्यवहार नया ही सर्वेव भूतार्थत्वात् अभूतम अर्थम प्रद्योत्यति। सारे व्यवहार ने एक बात कह रहे, दूसरी तरफ कह रहे कि शुद्ध ने, मैंने कहा निश्चय ने, शुद्ध ने कहा है, व्यवहार निश्चय शुद्ध ने कहा से आया। इसलिए थोड़ी सी अपने व्यवहार के भेद प्रभेदों की चर्चा देखी थी, थोड़े निश्चय के भेद प्रभेदों की भी चर्चा देखते हैं। और मैंने कहा था कल जो स्वाध्यायी है वे विचार करे, उनसे पूछूंगा, मैं पूछूंगा क्या अभी आप मन में उत्तर लेना और फिर मिलान करना उस उत्तर का। सर्वैव व्यवहार ने यह कहा है तो इसका तात्पर्य क्या है? सर्वैव देखिए चार्ट आपके सामने आ गया होगा, अध्यात्म के नए कौन से, निश्चय नए और व्यवहार नए, ठीक है ना, ये अध्यात्म के नए। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए की भी चर्चा आती, वो आगम के नए कहलाते हैं। अध्यात्म के नए, निश्चय नए, व्यवहार नए। व्यवहार नए के भेद प्रभेदों की चर्चा अपन ने कल देखी थी। व्यवहार ने दो प्रकार के, सद्भूत व्यवहार ने, असद्भूत व्यवहार ने। पुनः सद्भूत व्यवहार ने उपचरित अनुपचरित के भेद से दो प्रकार का, असद्भूत व्यवहार ने भी उपचरित अनुपचरित के भेद से दो प्रकार का। इस तरह से यदि कहा जाए चार प्रकार का व्यवहार ने। अब निश्चय ने, निश्चय ने के भी दो भेद, शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने। अशुद्ध निश्चय ने के कोई अलग से भेद नहीं है, शुद्ध निश्चय ने के पुनः तीन भेद हैं। एक देश शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने, ये साक्षात शुद्ध निश्चय ने को पूर्ण शुद्ध निश्चय ने भी कहते हैं, और परम शुद्ध निश्चय ने। अशुद्ध निश्चय ने जो रागादि अशुद्ध परिणाम है, रागादि विकारी भाव है, उनके साथ आत्मा को तन्मय कहना, माने रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, इस तरह से मोह राग द्वेष से तन्मय कहना, यह है अशुद्ध निश्चय ने। चूंकि अभेद का कथन कर रहे हैं, उन विकारी भावों को जीव के साथ अभेद करके कथन कर रहे हैं इसलिए निश्चय ने, लेकिन वो अशुद्ध भावों को अभेद कर रहे हैं इसलिए अशुद्ध निश्चय ने। अब शुद्ध निश्चय ने के जो तीन भेद, पहला एक देश शुद्ध निश्चय ने, जो एक देश निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र अंश में प्रकट हुआ हो, संवर निर्जरा के परिणाम, ये जितने भी एक देश शुद्ध परिणाम प्रकट हुए हैं उनको जीव के साथ अभेद कहने वाला एक देश शुद्ध निश्चय ने है। सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, चारित्रवंत, इस तरह से कहना एक देश शुद्ध निश्चय ने है। और जब पूर्ण निर्मल पर्याय को आत्मा के साथ अभेद कहने वाला साक्षात शुद्ध निश्चय ने, अनंत चतुष्टयवंत, केवल ज्ञानी, इस तरह से निर्मल पर्यायों से अभेद कहने वाला वह साक्षात शुद्ध निश्चय ने या पूर्ण शुद्ध निश्चय ने। और परम शुद्ध निश्चय ने कौन सा, जो परम पारिणामिक भाव रूप त्रिकाल अभेद अखंड एक शुद्ध आत्मा को कहने वाला, जिसमें पर द्रव्यों का तो पहले ही निषेध है, पर भावों का तो निषेध ही है, विकारी भावों का भी निषेध है, अपूर्ण पर्याय जो एक देश निर्मल पर्याय उनका भी निषेध, पूर्ण निर्मल पर्यायों का निषेध और गुण भेद का भी निषेध। इसका मतलब पर से, पर्याय से पार, गुण भेद से भी पार, एक अभेद अखंड शुद्ध आत्मा का निरूपण करने वाला जो नय है वह परम शुद्ध निश्चय नय है। इसी का जो विषय शुद्ध आत्मा है वह उस शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और यहां जो शुद्ध नय शब्द का प्रयोग किया है वह परम शुद्ध निश्चय नय के लिए किया है, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से नहीं होती है, कोई व्यवहार सम्यक तो कहते हैं, वह ग्रहित मिथ्यात्व से छूट करके सही दिशा में आने की अपेक्षा से उसे व्यवहार से सम्यक तो कहते हैं। अब सही मार्ग पर आए हैं, लेकिन सही बात वास्तविक आत्मस्वरूप समझकर उसका श्रद्धान करना भी बाकी है। अपने आप को हम केवल ज्ञानी माने तो
केवल ज्ञानी माने तो भी पूर्णता का लक्ष्य नहीं है, पूर्णता का अर्थ आत्मा का लक्ष्य नहीं, इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। केवल ज्ञान परिपूर्ण निर्मल दशा, हाँ उससे भी नहीं होगी, आत्मा के लक्ष्य से होगी केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट। मैं पूछता हूं, किसी को ये कहा जाए कि आपको 1 टन सोना देते हैं और दूसरी तरफ ये कहा जाए आपको 1 ग्राम का छोटा सा पारस मणि देते हैं, आप क्या लेना पसंद करेंगे? आप क्या लेना पसंद करेंगे? क्योंकि 1 टन सोना है और 1 ग्राम पारस मणि है, क्या लेना पसंद करेंगे? समझदार तो कहेगा भैया 1 टन सोना रहने दो, 1 ग्राम पारस मणि ठीक है। कि क्यों? ये जो 1 टन सोना है ना, ऐसे हजारों टन चाहे जितने टन हम बना सकते हैं, किससे? वो 1 ग्राम पारस मणि से, क्योंकि उस पारस मणि में ताकत है। वो 1 टन सोने में ताकत नहीं है कोई 1 ग्राम लोहे को भी सोना बना सके, परंतु 1 ग्राम पारस मणि में ताकत है कि वह चाहे जितने लोहे को सोना बना दे। ऐसा ही निर्मल पर्याय, चाहे एक देश निर्मल हो चाहे पूर्ण निर्मल पर्याय हो, उसमें पुनः निर्मल पर्याय प्रकट करने की ताकत नहीं है। इसलिए एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं, परंतु परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय भूत जो शुद्ध आत्मा है उसका लक्ष्य किया जाए तो केवल ज्ञान जैसी अनंत पर्याय प्रति समय अनंत काल तक उत्पन्न होती रह सकती है, होती रहती है। इसलिए वो परम शुद्ध निश्चय ने, शुद्ध ने, वो एक भूतार्थ है। अब मेरे वो प्रश्न का उत्तर जो ये कहा गया, व्यवहार नया सर्व एव भूतार्थत्वात् और शुद्ध नया भूतार्थत्वात्, शुद्ध नए को भूतार्थ कह रहे हैं और सर्व व्यवहार नए को अभूतार्थ कह रहे हैं, और शुद्ध नए का अर्थ है परम शुद्ध निश्चय ने, तो शुद्ध नए माने परम शुद्ध निश्चय नए को भूतार्थ कहा और व्यवहार नए को अभूतार्थ कहा, तो व्यवहार के 4 भेद वो अभूतार्थ हो गए। तो ये बाकी के जो अशुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय, साक्षात शुद्ध निश्चय, इनका क्या हुआ? ये भूतार्थ है कि अभूतार्थ है? बस यहां 2 विवक्षाओं से समझने की बात है। वैसे तो सभी नए अपने अपने विषय के समय प्रयोजन भूत होते हैं या भूतार्थ होते हैं, जब उसकी बात चल रही होती तब वो भूतार्थ होते हैं, परंतु जब उसके आगे की बात खड़ी होती है तब पीछे पीछे के नए अभूतार्थ होते जाते हैं। यहां व्यवहार ने तो अभूतार्थ है ही, परंतु हम जब परम शुद्ध निश्चय नए को भूतार्थ कह रहे हैं और हमारा प्रयोजन सम्यक दर्शन है और वह उसी से सिद्ध होता है, तो निश्चय के भी जो बाकी के भेद है जिनके आश्रय से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है, वे भी यहां पर अभूतार्थ है। वे तो निश्चय है ना कि नहीं, नए की परिपाटी में जब आगे आगे का नए आता है तब पीछे का नए व्यवहार होता जाता है, और जब परम शुद्ध निश्चय नए को एक तरह से या निश्चय के रूप में स्वीकार किया गया तो इसके नीचे के सब व्यवहार हो गए। परम शुद्ध निश्चय नए निश्चय, उसकी अपेक्षा बाकी सब व्यवहार होते हैं। ये विवक्षा यदि ली जाए सर्व एव भूतार्थत्वात्, तो कहते हैं अभी यहां पर हमारे प्रयोजन को सिद्ध न करने वाले होने से बाकी सभी अभूतार्थ है, ऐसा कहा जा सकता है। इतनी एक विवक्षा भी इसमें से हम ले सकते हैं। अब अमृतचंद्राचार्य पुनः इसी बात को थोड़ा दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं कि कैसे व्यवहार ने अभूतार्थ और निश्चय ने भूतार्थ हैं। अमृतचंद्राचार्य की दृष्टांत देने की शैली भी बहुत व्यवस्थित है, वो पूरा एक तरह से सांगोपांग घटाने का प्रयास करते हैं। पहले अपन दृष्टांत देखते हैं। तथा ही व्यवहार ने अभूतार्थ, शुद्ध ने भूतार्थ, ये जो बात ऊपर कही थी उसी को समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। तथा ही माने उसी को समझाते हैं। यथा प्रबल पंक संवलन तिरोहित सहज एक अच्छ भावस्य
पयसा अनुभवी तारा पुरुषा पंक पयसो विवेकम अकुर्वन्तः बहवः अनच्छमेव तत् अनुभवन्ति। बहुत से स्थान अभी भी ऐसे हो सकते हैं जहां स्वच्छ जल, शुद्ध पानी, साफ पानी उपलब्ध ही नहीं होता हो। अनेकों जगह ऐसी होती है वहां पानी नहीं, बहुत दूर से भरकर लाना पड़ता है। वहां जाते हैं और जहां से भी पानी भर करके लाते हैं वह पानी यदि मेला है, कीचड़ मिला हुआ है, और हमेशा ऐसा ही पानी वह भर करके लाते हो और उनसे पूछा जाए पानी कैसा है, ये है ना, उन्होंने जो शुद्ध पानी दूसरा देखा ही नहीं हो तो वे उसी को पानी समझते, ये बहुत बढ़िया पानी है, यही पानी है, और उसी का भी उपयोग करते हैं। इसी को ये उदाहरण बनाया पहले। यथा प्रबल पंक संवलन, प्रबल बहुत सारा पंक माने कीचड़ या मिट्टी आदि, संवलन माने मिल जाने से, तो मिट्टी मिल जाने से क्या हुआ, कीचड़ मिल जाने से क्या हुआ, तिरोहित सहज एक अच्छ भावस्य पयसहा, पयसहा या पयस शब्द जो है वह पानी के लिए प्रयोग किया, वैसे दूध के लिए भी प्रयोग किया जाता है। छड़ाला की प्रसिद्ध पंक्ति हम सबको ख्याल में है, जल पय जो जियतन मेला, जल पय जो जियतन मेला, पय भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो जल पय माने दूध पानी की तरह, तो वहां जल पानी के लिए और पय दूध के लिए है, लेकिन यहाँ पय शब्द पानी के लिए है, पय पानी के अर्थ में प्रयोग होता है। पयसहा पानी का स्वभाव कैसा है कि अच्छ भाव, स्वच्छ भाव, निर्मल स्वभाव, जल स्वभाव मलचीन, जल अपने आप में निर्मल स्वभाव वाला है, स्वच्छ स्वभाव वाला है, परंतु प्रबल पंक संवलन, बहुत कीचड़ के मिल जाने से क्या हुआ, वह जो एक सहज निर्मल स्वभाव है वह तिरोहित हो गया, छुप गया, प्रकट नहीं है, अब प्रकट हो गया। देखिए तिरोहित शब्द का प्रयोग किया है, नष्ट नहीं हुआ है, छुप गया है, नष्ट नहीं हुआ है, निर्मलता कीचड़ के मिलने से वह निर्मलता तिरोहित हो गई है, अभी प्रकट नहीं है, अव्यक्त, व्यक्त नहीं है अभी, अभी मलिनता व्यक्त हो रही है। सहज एक अच्छ भाव से तिरोहिता पैसा अनुभवितारा पुरुषा, और उसी का अनुभव करने वाले माने उपयोग करने वाले, यही जानने वाले कि ये पानी है, ऐसा जानने वाले पुरुषा पंक पैसो विवेकम कुरवंता, वे इसमें ये कीचड़ की मलिनता है, पानी तो स्वच्छ होता है, ऐसा कीचड़ और पानी का विवेक भेद अकुर्वन्ता न करते हुए बहवः अनच्छमेव तत् अनुभवन्ति, उसे तो जो मलिन है वैसा ही अनुभव करते माने यही पानी है ऐसा समझते हैं, मानते हैं और उपयोग करते हैं, पीते भी है, नहाते भी, सब उसी प्रकार का उपयोग करते हैं, और ऐसा मलिन जल उपयोग करने से अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, दुख उठाते हैं, ये भी सब हम जानते हैं। परंतु अब दूसरी बात, के चित्तु स्वकर विकीर्ण कतक निपात मात्र उपजनित पंक पयाहा विवेक तया स्व पुरुषकार आविर्भावित सहज एक अच्छ भावत्वात् अच्छमेव तत् अनुभवन्ति। दूसरे व्यक्ति जो समझदार हैं उन्हें भी वही मलिन पानी आया सामने, परंतु वे क्या करते हैं, वे जानते हैं पानी मलिन नहीं है, ये कीचड़ मिलने से मलिन हो रहा है, इसलिए क्या करना चाहिए, कीचड़ के दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। तो क्या उपाय है, तो पहले जमाने में एक कतक फल होता है, उस कतक फल को उसमें डालते थे तो उसके कारण से मैल जो है सब पूरा नीचे बैठ जाता था। फिटकरी भी घुमाते हैं, कहते हैं फिटकरी को थोड़ा हम यदि पानी में ऐसा मलिन पानी में ये कर ले तो थोड़ी देर बाद में वो जितनी मलिनता, जितना मैल, जितना कीचड़ है, मिट्टी है, वो सब नीचे बैठ जाती है, ऊपर स्वच्छ पानी आ जाता है। ऐसा ही के चित्तु कुछ लोग स्वकर विकीर्ण कतक निपात मात्र, अपने हाथ से विकीर्ण डाल लिया, क्या कतक फल और निपात माने डालना, बस डाला है और कुछ नहीं करना है,
और कोई मेहनत नहीं करनी है, पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे, और कुछ उठक बैठक नहीं लगानी पड़ेंगी, बस डाल दिया, हिलाना भी नहीं उसे, हिलाएंगे तो और गड़बड़ हो जाएगी, बस डाल दिया, निपात मात्र, डालने मात्र से फिर क्या हुआ, उपजनित प्रकट हुआ, पंक पया विवेक तया, अपने आप ही कीचड़ और पानी का विवेक भेद हुआ, और उससे क्या हुआ, स्व पुरस्कार आविर्भावित, अपने यहां पुरस्कार के दो अर्थ किए, एक तो अपने पुरुषार्थ से, कतक फल डाला तो नहीं पुरुषार्थ किया, अपने पुरुषार्थ से जिन्होंने आविर्भावित प्रकट कर लिया, क्या प्रकट किया, सहज एक अच्छ भावत्वात्, पानी का जो अपना एक सहज स्वच्छ स्वभाव है, सहज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पानी को अपने आप सहज छोड़ दो तो निर्मल हो जाता है, और यदि कुछ मिला दो तो माने क्रियमान करना पड़े, मलिन करना पड़ेगा, निर्मल स्वभाव से उतले सहज, तो जब वह कतक फल डाल दिया तो एक सहज जो स्वच्छ उसका स्वभाव है वह प्रकट हुआ, और वो जो प्रकट हुआ अच्छमेव तम अनुभवंती, उस पानी को वे निर्मल ही अनुभव करते हैं, निर्मल है पहला भी जानते थे, निर्मल कर लिया उसका उपयोग कर लेते हैं। पुरस्कार, पुरस्कार का दूसरा अर्थ ऐसा भी कर सकते, इतना निर्मल कर लेते हैं कि अपना चेहरा उसमें दिखाई देने लग जाए, पुरस्कार अपना चेहरा दिखाई दे, पुरस्कार आविर्भावित, ऐसी इतनी निर्मलता उस पानी की कर लेते हैं और उसे निर्मल ही अनुभव करते हैं। तो दो स्थितियां हुई, अज्ञानी पानी और कीचड़ को अलग अलग समझते नहीं है, गंदा पानी किसी को पानी समझते हैं तो वैसे ही पानी का उपयोग करते तो बीमार हो जाते हैं, और जो पानी के स्वभाव को जानते हैं वे कतक फल डाल करके कीचड़ अलग करते हैं, स्वच्छ जल अलग कर लेते हैं और स्वच्छ जल का उपयोग करते हैं, और उसका उपयोग करके वे स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं होते, निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ये ऐसा भाव भी इसमें से पूरे उदाहरण में ले लें। अब ये सिद्धांत, इसमें बीच में जो समय सार दृष्टांत वैभव जो प्रकाशित हुआ है उसमें जो जहां जहां दृष्टांत आए उसके बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं, उसको दिखाने का प्रयास किया है, ये आप देख ले, एक तरफ पानी में मलिन पानी, फिर उसमें कतक फल डाल लिया तो ऊपर वह स्वच्छ हुआ, इधर अभी सिद्धांत वाली बात अपन देखने वाले हैं, विमोहित कैसे जानते हैं, मलिन कैसे समझते हैं, निर्मल कैसे जानते हैं और कैसे प्रकट कर लेते हैं, इस सिद्धांत में अपन देखते हैं। तथा अमरचंद आचार्य की एक विशेषता ये भी देखेंगे, सिद्धांत और दृष्टांत को अब मिलाते जाएंगे ना, एक एक भाव मिलता हुआ चला जाएगा, आप बाद में मिला लेना आपस में। तथा प्रबल कर्म संवलन तिरोहित सहज एक ज्ञायक भावस्य आत्मनः अनुभवितारः पुरुषाः आत्म कर्मणो विवेकम अकुर्वन्तः व्यवहार विमोहित हृदयाः प्रद्योतमान भाव वैश्वरूप्यं तम अनुभवन्ति। प्रबल कर्म संवलन, कर्म के निमित्त से, कर्म के मिलने से, कर्म के उदय से, कर्मोदय जनित औदयिक उनके कारण से क्या हुआ, तिरोहित सहज एक ज्ञायक भावस्य आत्मनः, आत्मा कैसा है स्वभाव से, छठवीं सातवीं गाथा में कहा ना, नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो जानगो दुजो भाव, ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, एक ज्ञायक भाव, वो जो एक ज्ञायक भाव, ये अपना मूल स्वभाव, एक ज्ञायक भाव, वो जो एक ज्ञायक भाव ऐसा जो हमारा मूल स्वभाव है वह प्रबल कर्म संवलन तिरोहित, प्रबल कर्म के निमित्त से तिरोहित हो गया, तिरोहित हो गया, नष्ट नहीं हुआ है तिरोहित हुआ, अब उसके कारण से, और ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले ऐसे वे क्या करते हैं, अनुभवितारः पुरुषाः आत्म कर्मणो विवेकम कुर्वन्त, आत्मा और कर्म का विवेक करते नहीं है, कौन सा आत्मा का स्वभाव है, कौन से कर्म के उदय से हुए भाव है, ये न जानते हुए विवेकम कुर्वन्त, भेद न करते हुए व्यवहार विमोहित हृदयाः, ये जो कर्मोदय जनित अवस्थाएं हुई है
वे अवस्थाएं कदाचित जिनवाणी में जीव की कही जाती है, किससे? व्यवहारने से, व्यवहार से जीव की कही जाती है, उसी में विमोहित हो गए। वो अपना मूल स्वभाव तो था नहीं, वो कर्म के उदय से हुए थे, उन भावों को जिनवाणी व्यवहार से कह दिया, व्यवहार से विमोहित हो गए। तो व्यवहार से विमोहित हृदय वाले ही, वो कर्म के मिलने से क्या हुआ? प्रद्योतमान भाव वैश्वरूप्यम, क्या भाव प्रकट हुए? वैश्वरूप्य, बहुत सारे भाव, अनेक प्रकार के भाव, सर्व भाव वैश्वरूप्यम। कौन कौन से भाव? वो कर्म है ना, दो प्रकार के हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्मों से क्या होता है? ये शरीर और शरीर के बाहर के जितने संयोग है, इनकी प्राप्ति होती है, देह की प्राप्ति, देह के कारण से चार गतियां इत्यादि की प्राप्ति होती है। इसके कारण क्या हुआ? अपने आप को क्या समझता है? अभी मैं मनुष्य हूं, मनुष्य में भी मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, बालक हूं, वृद्ध हूं, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, स्त्री पुरुष क्या क्या मानता है, ये सभी मान, अनेक रूप, चार गति 84 लाख योनियों वाला इतने रूप मानता है। और एक एक में जाने पर मैं पुरुष, पुरुष में भी कितनी अवस्थाएं, और बाकी के संयोग के साथ में पुनः जितनी अवस्थाएं होती है, जिसमें धन वाला है तो धनवान, थोड़ा सा बुद्धि है तो बुद्धिमान। बहू भाई की गांठ मैंने कल भी कही थी, गाड़ी पाड़ी लाड़ी साड़ी जितनी होती है उनके साथ में मैं गाड़ी वाला, इस तरह से जो मानता है, ये विविध रूपता, बहुत रूप मानता है। एक तो ये रूप, और दूसरा घाती कर्म, खास करके उसमें मोह कर्म, और मोह के कारण से जो विविध भाव, विकारी भाव होते हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम। अब मोह राग द्वेष के परिणामों से मैं रागी हूं, द्वेषी हूं, कितने प्रकार के क्रोध मान माया लोभ, हिंसा करने वाला चोरी, कितने प्रकार के भाव, लोक प्रमाण असंख्यात प्रकार के विकारी भाव, इतने वैश्य रूपम भावम, इतने भाव, ये सारे कर्म के निमित्त से होने वाले भाव, कर्म प्रबल संवलन, और इसके प्रकट होने से ये सब पर्याय में हो रहे हैं। पर्यायों से पार देख लो आप स्वयं भगवान रे, लेकिन उसके पीछे वो जो एक ज्ञायक भाव है वो छुप गया, क्योंकि यही भाव हमारी दृष्टि में आ रहे, हमारे जानने में आ रहे हैं, व्यवहार से जीव के कहे गए, इसमें वो मोहित हो गए, और वो जो एक ज्ञायक भाव है वो त्रिहित हुआ था। और जो इस बात को नहीं जानते हैं वे उसे वो अनेक भाव रूप, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं रागी हूं, मैं देशी हूं, मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं, ये इन्हीं इन्हीं में मानते रहते हैं। वैश्वरूप्यम तम अनुभवंती, व्यवहार विमोहित हृदया, इसी तरह से मानते हैं। अब वहां तो कहता कुछ लोग, लेकिन यहां कौन से लोग? यहां कहते हैं भूतार्थ दर्शिनस्तु, लेकिन जो भूतार्थ दर्शी है, यहां समझदार कहे हम भूतार्थ दर्शी, भूतार्थ दर्शी जो है वे क्या करते हैं? स्वमति निपातित शुद्ध नय अनुबोध मात्र उपजनित आत्म कर्म विवेक तया स्वपुरुषकार आवित भावित सहज एक ज्ञायक भावत्वात् प्रद्योतमान एक ज्ञायक भावम तम अनुभवन्ति। वे क्या करते हैं? स्वमति निपातित शुद्ध नय, अपनी बुद्धि से शुद्ध नय का प्रयोग करते हैं। सारे नए बुद्धि में प्रयोग करने की हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है, सब नयों से वस्तु स्वरूप समझ लिया, उसमें से शुद्ध नय का प्रयोग करते हुए ही। अब क्या करना है शुद्ध नय से? कि जानना है, इसलिए अनुबोध मात्र, जानने मात्र से शुद्ध नय का प्रयोग करके वस्तु को जाना, उसके जानने मात्र से क्या हुआ, क्या प्रकट हुआ? जैसे ही शुद्ध नय से हम जानेंगे, शुद्ध नय का प्रयोग करेंगे, आत्म कर्म विवेक तया, आत्मा भिन्न है कर्म भिन्न है, कर्म भिन्न है का अर्थ कर्म जनित सारी अवस्थाएं भिन्न है, कर्म तो भिन्न है ही, कर्म के निमित्त से यहां जो परिणाम हो रहे वे सारे भिन्न है। तो एक तरफ क्या रहा कि सिर्फ हमारा आत्मा, आत्मा और कर्म का विवेक होने के कारण से प्रकट क्या हुआ? स्व पुरुषकार आविर्भावित,
अपने पुरुषार्थ से प्रकट कर लिया। क्या? एक सहज गायक भाव, और दूसरा यही हमारा आत्मा का मूल स्वरूप है, ये पुरुषकार, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, ये पुरुषाकार, ये अपना आत्मा का स्वरूप, ये जिन्होंने आविर्भावित कर लिया। और वो कैसा है? सहज एक गायक भावत्वात्, वो आत्मा हमारा एक सहज गायक भाव वाला है, वह प्रद्योतमान एक गायक भावम, और वो प्रद्योतमान प्रकट हुआ ऐसा जो एक गायक भाव है, तम अनुभवंती कौन? भूतार्थ दर्शिना, वो भूतार्थ दर्शी, सही वस्तु स्वरूप जानने वाले। लेकिन वस्तु स्वरूप को प्रकट कैसे किया? वो शुद्ध नय के प्रयोग से। तो शुद्ध नय का प्रयोग करने पर आत्मा और कर्म भिन्न भिन्न दिखते ही हैं। शुद्ध नय के लिए ऐसा अपन उदाहरण दे सकते हैं, जैसे दो तरह के कैमरे होते हैं ना, एक कैमरा जो हमारे अभी सामने भी लगा हुआ है जिसके कारण से मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, लेकिन इस कैमरे से जो दिख रहा हूं ना वह मैं नहीं हूं, वैसे भी नहीं हूं मैं। ये जो कैमरा है, फोटो खींचने वाला कैमरा, ये बाहर का फोटो खींचता है, इससे खींचेंगे तो बाहर का ही दिखाई देगा। परंतु यदि एक्सरे वाला कैमरा होगा तो क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? एक्सरे वाला कैमरा यार किसी के सामने भी लगा दो क्या दिखेगा? सिर्फ हड्डियों का ढांचा दिखेगा अंदर का, क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी है, माने उसकी वो एक्स रे, उसकी रेज ही ऐसी है, ये कुछ नहीं दिखता, बस हड्डियां दिखती है, उसका विषय उसका वही है, सीधी वो दिखती है। पर ऐसे ही शुद्ध नय से आत्मा को देखेंगे तो क्या दिखेगा? अच्छा, वो एक्सरे के कैमरे को अंदर की हड्डियां देखने के लिए ये सब हटाना पड़ता होगा ना, ऊपर के कपड़े हटा दो, ये चमड़ी हटा दो, फिर ये मांस खून जो जो भी है वो हटा दो, फिर हड्डी, तब देखता है वो, सब है और उस एक्सरे से सीधे दिखते, ये सब होते हुए दिखते नहीं है और वो दिखता है उसे। ऐसे ही इन सब संयोगों में होते हुए जब कर्मों से बंधा हुआ है, जब मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, इन व्यवहार नहीं के जितने विषय है ना, और अध्यात्म की सूक्ष्मता की दृष्टि से सम्यक दर्शन की पर्याय भी औपपादिक है, क्योंकि वह कर्म के उपशम क्षय क्षोपशम से होती है। केवल ज्ञानादिक पर्याय भी कर्म के क्षय से होती है, वे भी औपपादिक है ना, वो कर्म है तो उसके निमित्त से दिखते हैं, माने कर्म का क्षय हुआ इसलिए प्रकट हुए। परंतु जब शुद्ध नय से देखेंगे तो कर्म ही नहीं दिखेगा, तो कर्म जनित या कर्म के अभाव से होने वाली कुछ नहीं दिखेगा, तो क्या दिखेगा? जैसे एक्सरे को अकेली सीधी हड्डियां दिखती, ये सब होते हुए भी, ऐसे ही जब कर्म से बंधे हुए संसारी इन जीव को भी शुद्ध नय से देखेंगे तो इन सब का भेद करते हुए वो एकमात्र गायक भाव, वो एक गायक भाव ही दृष्टि में आता है। छठवीं गाथा की टीका में आपने ध्यान दिया होगा, वो आत्मा, वो गायक भाव, उस गायक भाव की जो चर्चा की, जो स्वतः सिद्धत्वेन अनादि अनंता नित्योद्योता शुद्धा एक गायक भाव, और उस गायक भाव की बात करते हुए कहा संसार अवस्थायाम पर्याय निरूपणया, संसार अवस्था में पर्याय दृष्टि से देखा जाए, क्षीरोदकवत कर्म पुद्गल समम एकत्वे अपि, दूध पानी की तरह कर्मों के साथ एक मेक है, ऐसा होने पर भी द्रव्य स्वभाव निरूपणया, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो बीच में तो स्वभाव कैसे होते हैं उसकी चर्चा की, लेकिन अंत में लिखा स्वभाव भावानाम स्वभावानाम अपरिणमनाथ, द्रव्य दृष्टि से देखते हैं स्वभाव भावों रूप से परिणमता ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, द्रव्य स्वभाव निरूपण या कब? संसार अवस्थाया, संसार अवस्था में ही जब वह मोह राग द्वेष से परिणम रहा है, स्वभाव भाव रूप से परिणम रहा है, तब
द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो वह शुभाशुभ भाव रूप परिणमी नहीं रहा है। ऐसे यहां करे भूतार दर्शिना शुद्ध नय निपात मात्र उपजनित अनुबोध मात्र, शुद्ध नय का प्रयोग किया उसके ज्ञान मात्र से, शुद्ध नय के दृष्टिकोण है ये, जानने का दृष्टिकोण है, और इसके दृष्टि से हम जब देखते हैं तब आत्मा और कर्म का भेद विज्ञान होता है और सहज एक ज्ञायक भाव, ये हमारा पुरुषकार स्वपुरुषकार या आविर्भाव होने से वही प्रकट होता है। और जो ऐसा करने वाले हैं उस एक ज्ञायक भाव, वही अच्छ भाव, वही स्वच्छ भाव, ये हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव का अनुभव करते भूतार्थदर्शी शुद्ध नय का प्रयोग करने वाले। अब निष्कर्ष, तदत्र ये भूतार्थम आश्रयन्ति ते एव सम्यक पश्यन्तः सम्यक दृष्टया भवन्ति न पुनः अन्ये। समझ लीजिए ये सिद्धांत तथ्य हमें ध्यान दिला रहे हैं। भगवान महावीर जयंती के अवसर पर भगवान महावीर हमसे कह रहे हैं आपको जैसा मैं बना हूं ऐसे ही बनना हो तो यहां से प्रारंभ करना पड़ेगा। कौन सम्यक दृष्टि होते हैं? ये भूतार्थम आश्रयन्ति, भूतार्थ का आश्रय करते हैं वे ही सम्यक पसंद, वे ही सही देख रहे हैं, बाकी सब व्यवहार में मूड हो रहे हैं। सम्यक पश्यन्ता सम्यक दृष्टया भवन्ति, वे ही सम्यक दृष्टि होते हैं, ना पुनः अन्ये, अन्य दूसरे कोई सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। क्या मतलब अन्य? मतलब कौन? जो छड़ाला की दृष्टि से कहे मुनिवृद्धार अनंत बार ग्रेवे कुपजायो पै निज आत्म ज्ञान बिना सुकलेशन पायो, वो ये व्यवहार में जो लगे हुए हैं बाकी सब ये भूतार्थ का आश्रय नहीं करते हैं, शुद्ध नय का उपयोग करते हुए वो शुद्ध आत्मा का लक्ष्य नहीं करते हैं, वे सब प्रभु पूजो सुमरो पढ़ो करो विविध व्यवहार ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान गम्य निर्धार। ये आगे आगे के बनारसदास जी के छंदे आगे बहुत विस्तार से चर्चा आने वाली है। आगे तो एक गाथा में स्पष्ट ये कहने वाले हैं निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण नी, गुजराती अनुवाद है इसका, माने निश्चय नयाश्रित मुनि ही मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, इसका मतलब व्यवहार नय के आश्रय वाले प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, इसलिए कह रहे हैं व्यवहार नय अभूतार्थ है। परंतु अभी अगली पुनः बारहवीं गाथा अगले सेशन में अपन लेंगे, वहां पुनः कहने वाले हैं फिर तो व्यवहार नय का अनुसरण करना ही नहीं है, तो फिर तो व्यर्थ है व्यवहार नय, क्या उपयोगिता है उसे। अगली चर्चा ये आएगी केशांचित कदाचित सोपि प्रयोजनवान, कभी कभी किसी किसी को वह भी प्रयोजनवान होता है, कब किसको कैसे होता है अगली गाथा में अपन समझेंगे। अभी तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भूतार्थ का लक्ष्य करने से ही अर्थात शुद्ध नय का लक्ष्य करने से ही सम्यक की प्राप्ति होती है, इसलिए वह भूतार्थ है, और व्यवहार के आश्रय से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए व्यवहार नय अभूतार्थ है, न पुनः अन्य कथक स्थानीयत्वात् शुद्ध नयस्य। शुद्ध नय कैसा है दृष्टांत का याद दिला रहे हैं, कथक के स्थान पर, जैसे कथक फल डालने से भेद पानी और कीचड़ का भेद हुआ, स्वच्छ पानी प्रकट प्राप्त हुआ, उसी तरह शुद्ध पानी के कारण से अपने शुद्ध नय के प्रयोग से आत्मा और कर्म का भेद विज्ञान हुआ और उसमें से हमें शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हुई, शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करने वाले सम्यक दृष्टि हुए, ततः प्रत्यगात्मदर्शी भी व्यवहार नया न अनुसर्तव्य। इसलिए जो अप्रत्यक आत्मदर्शी जिन्होंने शुद्ध नय का प्रयोग करके आत्मा को प्रत्येक आत्मा आप वहीं से समझ लेना, पर द्रव्य के भाव उनके निमित्त से होने वाले विकारी भाव इनसे भिन्न शुद्ध आत्मा को जो देख रहे हैं वे प्रत्येक आत्मदर्शी जिन्होंने शुद्ध नय का प्रयोग करके ऐसे आत्मा को देख लिया है, आश्रय करके सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है, व्यवहार नय अनुसर्तव्य, उन्हें व्यवहार नहीं का क्या कार्य है। परंतु
जब तक वो आत्मा का स्वरूप नहीं समझा था तब तक व्यवहार ने से समझना था। तो व्यवहार ने का अनुसरण नहीं करना माने किन के लिए? प्रत्येक आत्मदर्शी भी, प्रत्येक आत्मा का दर्शन जिन्होंने कर लिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, फिर व्यवहार ने के अनुसरण की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार ने न अनुसर्तव्या, उनके लिए कहा व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। इस तरह ग्यारहवीं गाथा की चर्चा। अब ये बारहवीं गाथा इसी संदर्भ में आगे जुड़ते हुए हैं, इसलिए आप अगले सत्र के लिए आप बारहवीं गाथा और उसके बाद के जितने कलश हैं, अभी बारह गाथा तक कलश नहीं थे, सीधे बारह गाथा के बाद में कलश आ रहे हैं, छः सात कलश लगातार हैं, आप थोड़ा उनको भी देख करके आएंगे तो अगले सत्र में हम उनकी चर्चा करेंगे। अभी एक सूचना मुझे दी गई है कि भगवान महावीर जयंती आज, और इसके साथ साथ में वर्तमान जो परिस्थिति बन रही है उसके संदर्भ में हम क्या करें। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें जिनवाणी सुनने मिल रही है, सुनने मिल रही है। इसमें तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जिनवाणी उपलब्ध है। यदि या वाग गंगा विविध नए कल्लोल विमला, वो भगवान महावीर की वहां से निकली हुई इदानीम पेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पतगामी भवतु ना। हमें ज्ञानी जनों से, और हमारा सौभाग्य आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी ने इनका मर्म निकाल करके हमारे सामने रखा और वो हमें सुनने और समझने मिल रहा है। ये पहला सौभाग्य। और दूसरा, ये वर्तमान की इतनी परिस्थिति होने पर भी ये जो विज्ञान के लिए बहुत सारे वो कहते हैं ना, ये अभिशाप है कि वरदान है, तो हमारे लिए तो वरदान साबित हो रहा है। ऐसे समय में हम इकट्ठे न होकर के भी, अपने घर बैठ करके भी इसको सुन पा रहे हैं। और तीसरा, ऐसे समय में भी हमें सुनने का भाव हो रहा है, इसलिए ये हमारा सौभाग्य समझना चाहिए। और हमें ये सुनने मिल रहा है, इसलिए हम शुद्धात्मा की बात करने वाले, आत्मा शुद्ध ने की विषयभूत शुद्धात्मा की बात कर रहे हैं। परम पारिणामिक भाव वाला निष्क्रिय है, अनादि अनंत है, उसका कभी नाश होता ही नहीं है, फिर किस बात की चिंता है? होगा, रोगादिक तो देहाश्रित है, इनसे हो तन मेरी हानि। ये रोगादिक और रागादिक भी और रोगादिक भी, ये तो देहाश्रित है, इनसे मेरी रंच मात्र भी हानि होती नहीं है, मैं तो इनसे परे एक शुद्ध आत्मा हूं। सचमुच यदि इसका चिंतन मनन यदि हम करते हैं, और भगवान महावीर का संदेश भी यही है, अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने में जमो, अपने में लीन हो जाओ, अप्पा अप्प मिरो। कितना जिनवाणी माँ कहलाती है। सब बच्चों की छुट्टी हुई, निकलने लगे तो एक बच्चे से पूछा, छुट्टी हो गई अब तुम कहाँ जाओगे? उस बच्चे ने कहा, मेरी मम्मी ने कहा है घर आना, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर आऊंगा। मम्मी ने कहा है घर आना, छुट्टी हो गई, इसलिए मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, घर आऊंगा। जिनवाणी माँ भी ये कहती है, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, हम अभी कभी तक हम अपने घर नहीं आए हैं, इसलिए हमें अपने घर, और अभी वर्तमान परिस्थिति ये कह रही है स्टे होम, अपने घर बैठो। और अपने घर बैठो, अकेले उस घर में नहीं बैठ करके, यहाँ बैठने का यदि हम प्रयास करते हैं तो भगवान महावीर भी अपने तक सीमित होने के लिए कह रहे हैं, स्वार्थी बनो। लेकिन इसके स्वार्थी का अर्थ जो सचमुच में स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे, जो स्वार्थी होता है वो निश्चित रूप से परमार्थी होता है, उसको दूसरों का भी ख्याल आता है, दूसरों का भी वह ध्यान रखता है। इसलिए हमें अधिकतर देवशास्त्र गुरु का समागम
समागम का मतलब उनके स्वरूप का चिंतन मनन, जिनवाणी उपलब्ध है उसे पढ़े, जितना हम अध्ययन मनन कर सकते उसका अध्ययन मनन करे, चिंतन करे और अपने आत्मबल को प्रबल रखे तो निश्चित रूप से, और आत्मबल आत्मविश्वास प्रबल रहता है तो ये रोगादिक में भी हमारे लिए सहयोग बन सकता है। इसलिए भगवान महावीर का संदेश तो यही है, अपने को जाने, अपने को पहचाने, अपने में लीन हो जाए। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गहे सुपावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो।